A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed a lots of the theoretical as well as the practical concept related to the chapter number 8, that is an issue of debenture. You can see that in the last video, we discussed the issue of debenture for cash as well as the issue of debenture for consideration other than cash. And you can see that there are three options by which we can easily issue our debenture, or at par, or at premium, or at discount. In the last few videos, we also discussed the very important topic, that is an issue of debenture as a collateral security, as well as we saw the practical problem related to it. And in the last video, we also introduced the very important and popular method, that is an accounting treatment of issue of debenture on the basis of the terms and condition of redemption. यानि कि डिबेंचर इशू करते वक्त जब हम उसकी जनरेंट्री पास करते हैं तो रिडम्पशन के टाइम का जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है उसे भी कंसीडर किया जाता है. सो आज के इस वीडियो में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. कैसे हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिकॉर्ड करते हैं, कैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से रिलेटेड एंट्रीज पास करते हैं, और सबसे पहले ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता क्या है. यू नो वेरी वेल, जब भी कोई कंपनी शेयर या डिबेंचर इशू करती है तो शेयर्स खरीदने वालों को शेयर होल्डर और डिबेंचर में इन्वेस्ट करने वालों को डिबेंचर होल्डर की कैटेगरी में रखा जाता है. सो इन शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी क्या करती है, कुछ रिटर्न में पे करती है, एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, व्हाटएवर. तो उस रिटर्न को हम लोग बोलते हैं, यू नो वेरी वेल, in case of the any profit provided on the share, it will be known as a dividend. And any profit or any return provided on the debenture, invested amount of debenture to the debenture holder, it will be known as an interest. So company क्या करती है, अपने debenture holders को, the person जिसने debenture में पैसा invest किया है, उन debenture holder को return में interest provide करती है. एनुअली, हाफ एली, क्वार्टर, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. सो इस इंसिडेंट को रिकॉर्ड करना भी एक इंपॉर्टेंट इशू है, एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है. सो उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं. बेसिकली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज यूजली पेड हाफ एली. यानी हम बेसिकली हाफ ईयरली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करते हैं. इसके साथ ही साथ इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. मतलब जो डिबेंचर पे हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, it will be a charge against profit. What is the meaning of charge against profit? यानी ये compulsory expense है. चाहे company को profit हो, चाहे loss हो, उसे अपने debenture holder को interest pay करना ही करना है. So charge against profit, it means it is a compulsory expenses. Third, the rate of interest payable on debenture is prefixed. यानी debenture पे जिस rate से interest pay करना है वो पहले से fixed होता है. Is prefixed. पहले से fixed होता है. यानी कि जब भी कोई कंपनी इन डिबेंचर इशू करती है तो उस डिबेंचर पे पहले से अनाउंस कर देती है कि वो कितना इंटरेस्ट पे करेगी. सो उसकी जो जनरेंट्री पास करने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
बेसिकली कुछ एंट्रीज पास करते हैं, तो उस एंट्रीज को लिख लीजिए, फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ड, फॉलोइंग एंट्रीज वर पास्ड आर पास्ड, आर करेक्ट वर्ड रहेगा आर पास्ड, फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि कंपनी जो होती है हर हाफ ईयर यानी हर छह महीने पे इंटरेस्ट देती है, यानी वो साल में कितने बार पे करती होगी, दो बार। कुछ पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी क्या पे करती है, हाफ ईयरली यानी हर छह महीने पे यानी साल में दो बार। दूसरी बात, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कंपनी को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना कंपल्सरी है, चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, यानी हर सिचुएशन में कंपनी को डिबेंचर पर इंटरेस्ट देना हो। तीसरी बात, जिस रेट से इंटरेस्ट देना है टू द डिबेंचर होल्डर ऑन डिबेंचर अमाउंट, वो पहले से प्रीफिक्स होता है, यानी इशू के टाइम यह डिसाइड हो जाता है कि हम उस डिबेंचर पे कितना इंटरेस्ट पे करेंगे। और इंट्रीज पास करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये इंट्रीज साल में दो बार होंगी, क्योंकि हम दो बार इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो पहली एंट्री होगी व्हेन इंटरेस्ट ड्यू, व्हेन इंटरेस्ट ड्यू, जब इंटरेस्ट ड्यू होता है। तो तीन चार स्टेप यहां हमें फॉलो करने पड़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, ओके। फिर इंटरेस्ट ड्यू होने के बाद हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे टू द डिबेंचर होल्डर। पहला इंटरेस्ट ड्यू हुआ, दूसरा इंटरेस्ट इज पेड टू डिबेंचर होल्डर, जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तीसरी एंट्री होगी, यू नो वेरी वेल, हर साल के एंड में, एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर, हर साल के एंड में हम लोग क्या करते हैं, जितना टोटल इंटरेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं बता दूं, ये एंट्रीज दो बार पास होंगे, टू टाइम्स, ये भी टू टाइम्स होंगे, क्योंकि साल में हम दो बार इंटरेस्ट ड्यू करेंगे और दो बार पे करेंगे। लेकिन जब ये इंट्रीज होगी एट द एंड ऑफ द ईयर, हम टोटल इंटरेस्ट को जब पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे या स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर करेंगे, तो उसकी एंट्री एक ही बार, एंट्री सिर्फ एक बार में होगी एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में हम जितना इंटरेस्ट है उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन। So there are three steps related to the journal entries passed at the time of the paying interest on debenture. So please note down, इसको note down करिए, फिर एक question discuss करते हैं, फिर next topic की तरफ move on करते हैं। So after discussing the very important concept that is an interest on debenture, let's we move to the practical question related to it, that is an question number 27. The question number 27 says that on 1st 4 2015, K Limited issued 509% debenture of 500 each at a discount of 4%, redeemable at 5% after 3 years. यानी कंपनी ने डिबेंचर इशू किया और उस पर रिडम्शन का इशू किया और उस पर रिडम्शन पे कंडीशन भी है। तो ये टॉपिक मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया डिटेल, लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत इसका हिंट दिया था
कि हाउ वी विल आइडेंटिफाई, हाउ वी विल पास जनरेटरीज ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन. यानी जब भी हम रिडम्पशन की एंट्री पास करते, सॉरी इशू की एंट्री पास करते हैं एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर, तो हम रिडम्पशन के टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में रख के जनरेटरी पास करते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने उसको नेक्स्ट पीरियड के लिए छोड़ के रखा हुआ. अभी हम कुछ स्मॉल टॉपिक्स पे आज डिस्कस करेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन डिबेंचर. ठीक है, सो जो नेक्स्ट पॉइंट है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एंट्री पास करनी है 31st March 2016, assuming that interest is payable on 30 September and 31st March. The company closes its books on 31st March every year. तो कोई बात नहीं, साल में दो बार इंटरेस्ट देना है, सिंपल सी बात है. हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, इंक्रीज पास करेंगे जो इंक्रीज हमने नीचे लिखी है. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27 में, सबसे पहले ऑन 30 September 2015 इंटरेस्ट ड्यू करेंगे. एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितने डिबेंचर्स थे, 500 डिबेंचर, और एक डिबेंचर कितने के हैं, 500 रुपए के. तो ये डिबेंचर की वैल्यू हो जाएगी और उसका इंटरेस्ट का परसेंटेज है 9%. इंटरेस्ट का परसेंटेज है 9% और 6 मंथ में मिलेगा. ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो जाएगा आपका, एक 6 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा 11,250. उसके बाद इमीडिएटली हम इंटरेस्ट पे करेंगे डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, ये फर्स्ट हाफ ईयर का है. उसके बाद 30 सितंबर के बाद, आपको मैंने बताया था कि ये जो दो एंट्रीज हैं वो दो बार पास होंगी, फिर डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू के इंटरेस्ट पे क्या, फिर हम एट एंड ऑफ ईयर फिर से इंटरेस्ट पे करेंगे, फिर उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 11,250. फिर से हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे क्योंकि साल में दो बार देना है इंटरेस्ट, और फिर हम क्या करेंगे, पे करेंगे, फिर से हम पे करेंगे. यस, फिर से पे करेंगे. और एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या करेंगे, टोटल इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देंगे टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएस. टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विल बी 22,500. कैसे, क्योंकि अगर हम पूरे पे फोकस करें, सो यू कैन सी दैट फर्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट था 11,250, सेकेंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट था 11,250, सो टोटल इंटरेस्ट विल बी अ 22,500. ओके, सो प्लीज नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 27, और उसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एन राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. लेकिन ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा, वही इशू रेट पार, रिडम्पशन रेट प्रीमियम वाला, उसको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं. ठीक है,
So after completing the very famous problem, that is an interest on debenture at the time of issue of debenture. अब उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट वेरी फेमस टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज एन अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन. ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर considering the terms and condition of redemption. यानी जब हम issue के time debenture को issue के time की entry pass करेंगे, ठीक है, तो हम ये ध्यान में रखेंगे कि रिडम्पशन के टाइम पे क्या टर्म्स एंड कंडीशन है. ठीक है, तो यू नो वेरी वेल हम लोगों ने इस पे डिस्कस भी किया है अभी कि देयर आर सिक्स केसेस रिलेटेड टू द अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर कंसीडर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन. पहली कंडीशन का नाम है इशू एट पार एंड रिडम्पशन एट पार. यानी आपने 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया और उसका रिडम्पशन भी किस पे है, 100 रुपए पे ही है. तो इस सिचुएशन में पहले आप अमाउंट को रिसीव करेंगे, उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. गॉट इट, दो एंट्री होती है, हमेशा याद रखिएगा. और ये दोनों एंट्री इशू के टाइम ही हो रही है, पहले आपने रिसीव किया फिर आप उस पर अमाउंट एडजस्ट करें, क्योंकि इशू भी पार पे है रिडम्पशन भी पार पे है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस. ठीक है, तो उसकी भी होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर. और डिबेंचर के आगे एक सर्टिफाइड परसेंटेज लगाना मत भूलिएगा, ये पहली कंडीशन की जन एंट्री हो गई. दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, इशूड एट पार रिडम्पशन एट प्रीमियम. मतलब पार पे डिबेंचर इशू हुआ लेकिन उसका रिडम्पशन किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है. यानी 100 रुपए पे इशू किया, रिडम्पशन आपको 110 पे करना है. तो ये आपका इशू के टाइम का लॉस हो गया. अगर आप ध्यान दीजिए, इशू के टाइम आपको मिलेगा 100 रुपए और रिडक्शन के टाइम आपको मोर देन 100 देना है, 10 रुपए आपका इशू के टाइम का लॉस होगा. कैन भी होगी, पहली एंट्री तो एकदम सिंपल है, पहली एंट्री तो सबसे कॉमन होती है पैसा मिलने की, कोई भी सिचुएशन हो कोई भी पैसा मिले ये एंट्री सबकी सेम होती है. चेंजेस यहां पर होता है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर. ठीक है, अब इशू पे क्या था, इशू पार पे और रिडक्शन प्रीमियम पे है, 10 रुपए आपको प्रीमियम देना है. तो ये प्रीमियम क्या है आपका, रिडक्शन के टाइम प्रीमियम, तो उसको आप लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर. ध्यान समझिएगा, आपको यहाँ मिला 100 रुपए लेकिन रिडक्शन के टाइम आपको देना है 110 रुपए, तो वो 10 रुपए आज के लिए आपके लिए लॉस हो गया ना. और उस लॉस को आज आप बुक करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में. हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है उसे तब तक मत रिकॉर्ड करो जब तक वो आपके पॉकेट में आना. और दूसरी ओर वहीं आपको ये भी बताया गया है इन केस ऑफ द कंजर्वेटिज्म कि लॉस अगर दिख रहा है तो उसे आज बुक कर लो, वो लॉस होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन अगर आपको लॉस दिख रहा है जैसे यहाँ पे 100 रुपये मिला है रिडक्शन है, आपको 110 देना है, 10 रुपये आपका लॉस है, किस टाइम का, अभी का वो लॉस. तो ये लॉट प्रीमियम को तो आप क्रेडिट करते हो, 100 रुपए का डिबेंचर है, 10 रुपए का क्या है प्रीमियम है, जबकि इस पे कितना 100 मिला, वही ना डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से हुआ 100, तो डेबिट भी कितने से हुआ 100. डिबेंचर के सामने कभी भी आप इसकी फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट नहीं लिखते हो, पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो आप उसके सामने 100 लिखा. और प्रीमियम कितने से क्रेडिट करोगे, 10 से, क्योंकि प्रीमियम 10 है,
ये प्रीमियम प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है, उसको हम लॉस से डबल करके लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो आपका प्रीमियम वाला रूल भी फॉलो हो गया कि प्रीमियम को क्रिएट करते हैं और लॉस डेबिट होता है, इसको वो भी रूल फॉलो हो गया। तो ये दूसरा कंडीशन था आपका। चलते हैं थर्ड, इशू एट प्रीमियम एंड रिडक्शन एट पार, मतलब इशू के टाइम 110 मिलेगा और रिडक्शन के टाइम आपको 100 रुपये। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पहले की सबकी सेम होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इशू के टाइम कितना मिलेगा? 110। तो ये आपके लिए प्रॉफिट लॉस तो है, प्रीमियम है, प्रीमियम को क्या करते हैं सिर्फ क्रेडिट पर कटा दें। एप्लीकेशन आपका क्रेडिट कितने से होगा? 110 से, या डेबिट कितने से होगा? 110 से। डिबेंचर के सामने कभी भी उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, यानी 100 रुपये से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। और प्रीमियम को क्या करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट। इस प्रीमियम और इस प्रीमियम में डिफरेंस है, ये बात हमेशा रखिएगा। इशू का अगर प्रीमियम है तो उसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से क्रेडिट करते हैं, और अगर रिडम्पशन का कोई प्रीमियम है तो उसे हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के टाइम क्रेडिट करते हैं और के नाम से क्रेडिट करते हैं, और इसको लॉस भी कहते हैं, इसलिए इस लॉस को डेबिट भी करते हैं। तो दो ये डिफरेंस है जो दिमाग में आप रख लीजिएगा, इशू के टाइम का प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रिडम्पशन के टाइम का प्रीमियम। तो उसका दो इफेक्ट पड़ेगा, एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से क्रेडिट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से डेबिट, दो इफेक्ट पड़ेगा, बताइए आप। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ कंडीशन पे। फोर्थ कंडीशन है इशूड एट यस प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। अब प्रीमियम का मतलब होता है मोर देन फेस वैल्यू, ऐसा नहीं कि 110 मिलेगा 110 ही देना, ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता, जरूरी नहीं। यानी अगर मान लीजिए 110 इशू प्रीमियम पे, यानी इशू के टाइम 110 मिला और रिडम्पशन के टाइम आपको मान लो 105 देना, तो ये दोनों ही कंडीशन है कि प्रीमियम पे भी इशू है, रिडम्पशन पे भी प्रीमियम, इशू पे भी प्रीमियम है और रिडम्पशन पे भी प्रीमियम। वैल्यू डिफर कर सकती है, ये मैं बता दूँ। मैं भी जब पढ़ता था तो मेरे मन में भी डाउट रहता था कि दोनों सेम होगा, नहीं भाई, इशू के टाइम 10 रुपये मिलेगा ज़्यादा और रिडक्शन के टाइम 5 रुपये ज़्यादा देना, उल्टा भी हो सकता है, इशू के टाइम 105 मिलेगा, रिडक्शन में 110 मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट समझ के आपको क्वेश्चन को करना है, वैलिडिटी सेम होगी पैसा रिसीव करने की। फिर जब आप दूसरी एंट्री पास करेंगे, इस समय आपको ध्यान रखना है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इशू के टाइम कितना मिला था? 110 रुपये। अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल से समझ लो, 110 रुपये मिला और डिबेंचर कितने का है? डिबेंचर सर कभी फीस वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता, 100 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता। और इशू के प्रीमियम को किस नाम से लिखते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। वेरी गुड सर, यानी इशू का प्रीमियम कितना है? 10 रुपये। इशू के टाइम कितना प्रीमियम है? 100 का 110 मिल रहा है, तो इशू का प्रीमियम को हम लोग 10 से लिखते हैं। और रिडम्पशन का प्रीमियम कितना है? 5 रुपये। इसको किस नाम से लिखते हैं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सर इसका दो एंट्री होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 रुपये, और इसको हम लोग लॉस भी मानते हैं, इसलिए लॉस को भी डिबेट करते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ रिडम्पशन। ये बात आप ध्यान रखिए ना, हमेशा ये चीज हमेशा याद रखते हो। देखिए दोनों इक्वल भी हो गए, इशू के प्रीमियम को हमेशा क्रेडिट सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से, और रिडम्पशन के प्रीमियम को दो जगह इफेक्ट होता है, एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से क्रेडिट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से डेबिट। इसलिए देखो ऑटोमेटिक इक्वल हो गया, 115 क्रेडिट भी हो गया, 115 डेबिट भी। अगर इस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से समझेंगे तो चीजों को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट कंडीशन आपकी जो है वो है प्रीमियम पे हो गया, पार प्रीमियम हो गया, अब इशू एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट पार, इशू एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट पार, फिर लास्ट होगा इशू एट पार रिडम्पशन एट प्रीमियम। ओके, तो मान लीजिए आपने इशू किया 90 रुपये का डिबेंचर, आपको देना है 100 रुपये, तो इशू की एंट्री तो सेम होगी, मिलेगा 90 रुपये, लेकिन जब रिडम्पशन होगा तो आपको 100 रुपये देना है। तो ना इशू के टाइम प्रीमियम है,
ना रिडक्शन के टाइम प्री होना है, तो ये तो इससे कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ इंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट कितने से क्रिएट हुआ था, 90 से, डेबिट भी कितने से हुआ 90 से, और डिवेंचर के सामने हमेशा कौन सी वैल्यू लिखते हैं, फेस वैल्यू लिखते हैं, और इशू के टाइम क्या है डिस्काउंट, डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से डेबिट करते थे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट से करते थे, याद है जब हम लोग एंट्री पास करते थे जब डिवेंचर इशू होता था डिस्काउंट पे, ओके सिंपल सा। तो दिस इज अ कंडीशन नंबर 5, सिचुएशन नंबर 5, और उसके बाद लास्ट सिचुएशन है वो थोड़ी सी ट्रिपिकल, देखिए मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी सिचुएशन थोड़ी सी टफ है, एक तो आपको टफ दिख रही होगी सिचुएशन नंबर 4 और एक सिचुएशन नंबर 6 होगी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है यहाँ, इससे दोनों पे थोड़ा फोकस करें, एग्जाम में यही दोनों आता भी है। 6 सिचुएशन क्या होगी, इशू करेंगे डिस्काउंट पे लेकिन रिडम्पशन होगा प्रीमियम, यानी इशू के टाइम मिलेगा आपको 90 रुपीज और रिडम्पशन के टाइम आपको देना 110 रुपए, यानी इशू के टाइम आपको कितना मिला, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना हुआ 90 रुपए, और रिडम्पशन के टाइम आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज ध्यान दीजिएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट कितना मिला 90 रुपए, क्रेडिट डिवेंचर के सामने मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं सर, इसके सामने हम लिख सकते हैं कितना 100 रुपए, उससे ज्यादा नहीं, फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं लिख सकते। अब इशू के टाइम क्या है डिस्काउंट, और डिस्काउंट को हम लोग क्या करते हैं डेबिट, डिस्काउंट को डेबिट करते हैं, इशू के टाइम का डिस्काउंट कितना है 10 रुपए, तो इशू के डिस्काउंट को हम लोगों ने डेबिट कर दिया, वेरी गुड। सर अभी भी कुछ चेंजेस है, यस, रिडम्पशन पे क्या है प्रीमियम, और रिडम्पशन के प्रीमियम को दो जगह लिखते हैं, एक कहां पे क्रेडिट में, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना है 10 रुपए, और डेबिट भी करते हैं किस नाम से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10 रुपए, देखिए बराबर हो गया, डेबिट में 9, 10, 9, 10, 10, तो कितना हो गया टोटल, ये हो गया 110। उसी तरह से क्रेडिट में आप देखिए डिबेंचर के सामने 100 और प्रीमियम के सामने 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंडीशन नंबर 4 और कंडीशन नंबर 6 थोड़ी सी ट्रिकी है, यहाँ इशू भी प्रीमियम पे है, रिडम्पशन प्रीमियम पे, इसलिए इशू का भी प्रीमियम रिकॉर्ड करना है, रिडम्पशन का भी प्रीमियम रिकॉर्ड करना है, और यहाँ इशू डिस्काउंट पे उसको भी रिकॉर्ड करना है, और रिडम्पशन प्रीमियम पे है उसको भी रिकॉर्ड करना है, और रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम को दो जगह रिकॉर्ड करते हैं, एक क्रेडिट करते हैं और दूसरा डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से, और डेबिट करते हैं डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से। अगर आप चाहें मैं आपको एक छोटी सी बात बता दे रहा हूँ कि अगर इशू होता है डिस्काउंट पे, अगर इशू होता है डिस्काउंट पे और रिडम्पशन होता है प्रीमियम पे, ये दोनों ही क्या है सर, लॉस है, इशू हो रहा है डिस्काउंट पे यानी कम मिल रहा है, रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम पे मतलब ज्यादा देना है, ये दोनों ही आपके लिए क्या है सर, लॉस है, तो इसको आप चाहें तो एक अकाउंट से डील कर सकते हैं, जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10 लिखा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10 लिखा, आप इसको चाहें तो मर्ज कर सकते हैं, सीधे 20 लिख सकते हैं किस नाम से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से मर्ज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है शॉर्ट एंड सिंपल इन्फॉर्मेशन ऑल द 6 केसेस रिलेटेड टू द अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, और इस चैप्टर से, इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो नोट डाउन कर लीजिए, 1 by 1 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से सेव कर लीजिए, सो इन टूडेज वीडियो यू कैन सी दैट फर्स्ट वी विल डिस्कस द वेरी शॉर्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज इन interest on debenture, and thereafter we discuss the various accounting journal entries, that is an accounting for issue of debenture considering the terms and condition of redemption, मतलब redemption के terms and condition को ध्यान में रखके issue की entry pass करना, और उसमें से आप you can see that there are 6 cases, और next video में हम लोग इस topic से related numerical problem discuss करेंगे, और एक topic बचा है return of discount on return of लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, उसको डिस्कस करेंगे, एंड देयर आफ्टर वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर।
सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।